आज मैं शेयर कर रहा हूँ एक सिंपल और क्रंची स्नैक रेसिपी जो कि अंडे और ब्रेड के साथ बनता है। इसका फिलिंग अंडे के कीमे से बनता है और ये केचप के साथ इतना टेस्टी लगता है। मिंट चटनी के साथ तो नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। सबसे पहले हम अंडा उबालेंगे मीडियम फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक। उसके बाद हम उबले हुए अंडे को 10 मिनट तक आइस वाटर में छोड़ देंगे। ये करने से अंडे का जो शेल होता है वो आसानी से निकल जाएगा। अब अंडे को ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हो। कढ़ाई को गर्म करके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अभी इसमें जाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिलाने के बाद ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार, एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब जाएगा अंडे की कीमा, अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिलाएंगे और लास्ट में ऐड करेंगे ओरिगैनो। चलो अपना फिलिंग तैयार है। अब हम बनाएंगे पेस्ट। एक बोल में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से मिलाएंगे ये कंसिस्टेंसी आने तक। अब हम लेंगे ब्रेड और इसके साइड अलग कर देंगे। एक बेलन या ग्लास से ब्रेड को ऐसा फ्लैट कीजिए। अब इसमें जाएगा अंडे का फिलिंग और साइड में पेस्ट लगा के बंद कर देंगे। अगर आप चाहो तो फिलिंग में चीज भी यूज कर सकते हो, उससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अभी हम ब्रेड के दोनों साइड पेस्ट में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम के साथ कोट करके डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फिलिंग ऑलरेडी कुक्ड है। चलो अपना एक कीमा पॉकेट्स रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।